साथियों, मुझे भी इस सभा की सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से मिली और मैं यहाँ उपस्थित हुआ और यहाँ के पता लगा कि हमारे देश के, हमारे राज्य के बहुत अच्छे गुणी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। उनके विचारों को सुनने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी मुझे मेरे दोस्तों का यहाँ से फ़ोन पहुँचा, हमारे अरुण हार्डले जी का और आतिश बिड़लान जी का, कि आप अवश्य आइए भाई साहब। तो मैं यहाँ आया। अब मुद्दे पर आते हैं कि हमें समाज के लिए क्या करना है, कैसे करना है। एक मुद्दत हो गई है सुनते सुनते, जहाँ भी हम जाते हैं एक ही बात होती है कि संगठित हो जाओ। दुख होता है संगठित नहीं हो पाते, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति दिल अपनी जीभ के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली अध्यक्ष का एक कार्ड रखता है। तो कैसे को? जब हम इन कार्डों से अलग निकलेंगे तो शायद हम एक हो जाएंगे। उसके बाद हमारे को अपनी बात कहने के लिए मंच मिलती है, जहां हम बहुत सारी बातें कह देते हैं। अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि हम उन पर क्रियान्वित नहीं होते, उन पर कार्य नहीं करते, अपनी बात का अर्थ हम कह जाते हैं लेकिन उनको हम सही ढंग से समझ भी नहीं पाते, समझा भी नहीं पाते। मैं वास्तव में एक कलाकार हूँ, राइटर डायरेक्टर हूँ। उससे पहले मैं बैंकर था, बैंक से रिटायर्ड हूँ, लेकिन उसके बीच में मैं कार्यकर्ता रहा। 30 साल तक मैंने दूसरी जातियों के लिए फिल्में डायरेक्ट की, फिल्में लिखी, सीरियल लिखे। उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ये मैं भी, जब मुझसे पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब पिछले 1 साल से मैं कार्यरत हूँ और हिंदुस्तान में पहला दलित सीरियल लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप सबका सहयोग चाहिए। जैसे कि सत्यमेव जयते आया था, ऐसे ही शर्ममेव जयते एक सीरियल हम 52 एपिसोड का लेकर आ रहे हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से 52 व्यक्तियों का इंटरव्यू होगा, जो अपने हृदय की उस पीड़ा को उस सीरियल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे कि पिछले 5000 वर्ष और इन 70 वर्षों में हमारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वो शायद कहने लायक भी नहीं। हम रोज उन शब्दों से गुजरते हैं, जिस एक शब्द को सुनकर हमारे प्रधानमंत्री का सीना फट गया। ऐसे शब्द हम रोज सुनते हैं, रोज हमें लोग नीच बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो नीच एक शब्द था। हमारे साथ तो रोज घटित होता है, पिछले 5000 वर्षों से घटित हो रहा है। हमें बहिष्कृत किया जाता है, हमें दंडित किया जाता है, हमारे साथ वो हालात किए जाते हैं कि शायद जिन्हें हम बयान ना कर सके। उन सब बातों की बयानगी के लिए ये 52 एपिसोड का सीरियल जल्दी ही आपके बीच में मैं कोशिश करूँगा। हमारी जो पूरी बॉडी है वो कोशिश कर रही है और साथ ही हमारे ये साथी जो हमारे बीच में बैठे, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो यदि अपना सहयोग देंगे तो शायद हम इसको और अच्छी तरीके से बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे समाज का काम है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमें 52 पर्सनैलिटी चाहिए। सीरियल डोर टू डोर हर घर में दिखाई देगा, पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगा और 165 देशों में जाएगा। तो हम अपनी बात को पूर्ण रूप से रख सकते हैं और उसके लिए कि जहाँ तक कार्य करने की बात है, अपनी बात को आगे बढ़ाने की बात है, हमें संगठित होने की बात है। शायद मीडिया ऐसा सशक्त माध्यम है कि जहाँ हम अपनी बात को कहकर अपने आप संगठित कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, अपने शिक्षित होने का हम एहसास करा सकते हैं और अपनी बात को उस अंधी सरकार तक पहुंचा सकते हैं जो पिछले 5000 वर्षों से हमारी बात को अनसुना कर रही है। धन्यवाद। जय भीम, जय भगवान वासुदेव।